नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। दुनिया में कोरोना और ओमिक्रोन मामलों की जैसे सुनामी आ गई है। दुनिया में 24 घंटे में 21,79,000 नए केस आए हैं। कोरोना के इन मामलों ने भारत समेत कई देशों में हाहाकार मचा दिया है। वहीं कोरोना से 4,771 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को अमेरिका में सबसे ज्यादा 4,68,000 केस मिले। वहीं फ्रांस में 3,00,000 के करीब और इटली में 97,000। भारत की अगर बात करें तो 1,59,000 केस मिले हैं। ब्रिटेन में 1,44,000 केस मिले हैं और ऑस्ट्रेलिया में 1,15,000 केस मिले हैं। अर्जेंटीना में भी 1,00,000 के करीब कोरोना के केस मिले हैं। कोरोना की शुरुआत में अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 95,00,000 को पार कर गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दुनिया में फैलने के बाद कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती दिख रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के रोजाना औसतन 20,00,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। AFP के आंकड़ों के मुताबिक 1 से 7 जनवरी के बीच रोजाना औसतन 21,06,118 मामला सामने आए। इससे पहले 23 से 29 दिसंबर के हफ्ते में रोजाना औसतन 10,00,000 नए कोरोना के केस मिल रहे थे। करीब 10 दिन में ही दुनिया में कोरोना के मामलों में दुगना इजाफा हुआ है। नवंबर के आखिरी दिनों में दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने के बाद से कोरोना के नए मामलों में 270% तक का इजाफा हुआ है। तीसरी लहर के करीब होने की आशंकाओं के बीच राहत की बात यह है कि संक्रमण से मौतों की दर कम हो रही है। 1 से 7 जनवरी के औसतन 6,237 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मरने वालों की ये संख्या अक्टूबर 2020 के बाद से सबसे कम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर